स्वेल गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। और भाई आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक बहुत खास सा ऐप लेके आया है। ओके, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपके जो लैपटॉप होगा और आपके जो डेस्कटॉप होगा, ठीक है, उसको आपके फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मतलब लिटरली आपका जो फ़ोन है वो आपका आप कह सकते हो आपका टच पैड भी बन जाएगा। मतलब आप फ़ोन के थ्रू आपके माउस पैड को जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। और भी चीज़ों की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके जो नोटिफिकेशन वगैरह वो आप मीडिया प्लेयर कंट्रोल कर सकते हो। आप इवन अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया है या फिर घर में आपने यहाँ वहाँ कहीं रख दिया है, अगर वो साइलेंट में है तब भी ये आपको रिंग कर देगा उस फ़ोन को और आपको पता चल जाएगा कहाँ है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। और ये तो मैंने बताई कुछ ही छोटी मोटी चीज़ें इस ऐप की फ़ीचर्स, बट इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस यार बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को सीधे स्टार्ट। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन में और यहाँ आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप मेरा। और सबसे पहले आपको क्या काम करना है, KDE करेक्ट ऐप को डाउनलोड करने के लिए तो आपको अपने चले जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। यहाँ पर स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, सर्च बार में KDE लिखोगे, देन आप KDE कनेक्ट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन आप इसमें क्लिक करोगे तो आप कुछ इस टाइप के लेआउट में पहुँच जाओगे, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है KDE कनेक्ट, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन, डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, अदरवाइज़ आपके में ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा लगभग 117 MB के आसपास का ये आपको पड़ेगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो डाउनलोड होगा, देन इंस्टॉल होगा, देन आपको मैं भी ये ओपन का ऑप्शन दिखाने लगेगा। सेम हमें करना है अपने फ़ोन के लिए। तो गाइस ये है अब मेरा फ़ोन। अब जो अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको फ़ोन के साथ करना है, आपको अपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही जाओगे वहाँ पर आप KDE सर्च करोगे, ओके, KDE सर्च करोगे तो ये आ जाएगा आपका KDE। आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन में क्लिक कर देने हैं और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको आपके चले जाना है डेस्कटॉप में टू कनेक्ट दिस ऐप। मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ ओपन कर लेता हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखा देगा यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ वाईफाई नेटवर्क सो यू मे नॉट एबल टू सी एनी डिवाइस, क्लिक हेयर टू इनेबल वाईफाई। सो आपको वाईफाई एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा आपके लैपटॉप में और आपके ये जो फ़ोन है उसमें, या तो आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके आपके जो वाईफाई आपका जो लैपटॉप है आपका या डेस्कटॉप है उसमें जो वाईफाई का ऑप्शन है उसको इनेबल करके दोनों को एक दूसरे को पेयर कर लें, दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। इसके बाद गाइज आपको जो आपने जो फ़ोन में सिस्टम ऑन कर लिया है तो आपको जो नोटिफिकेशन ऊपर आपको दिखती ही जाएगी, कंटिन्यूसली दिखेगी नो कनेक्टेड टू एनी डिवाइस ऐसा करके, ओके। तो उसके बाद आपको अपने लैपटॉप में ओपन करना है ये KDE कनेक्ट ऐप को, और जैसे ही आप ओपन करोगे देन आपको काफ़ी सारी चीज़ें को दिखने को मिल जाएंगी। लाइक पेयर करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अपना डिवाइस इस फ़ोन को और आपके लैपटॉप को पेयर करना होगा। तो मैं एक बार कर लेता हूँ इसको, ओपन तो किया था, मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो है। ओके, तो गाइज ये देखो यहाँ जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पे मुझे एक अवेलेबल डिवाइस लिख के आ रहा है जो कि है Redmi Note 8 Pro, जो कि ये मेरा फ़ोन है। मेरा फ़ोन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिवाइस नॉट ट्रस्टेड, आपको इसको पहले पेयर करना पड़ेगा। तो पेयर आप कैसे करोगे, पेयर के ऑप्शन में क्लिक करोगे देन ये आपका जो पेयरिंग है वो इनेबल हो जाएगी। तो गाइज़ आपको KDE ऐप कनेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी परमिशंस मांगा है जैसे सेंड SMS, तो दिस प्लगइन नीड परमिशन टू वर्क, देन आपको यहाँ अलाउ कर देना है SMS मैसेंजर, ये भी नोटिफिकेशन होगी जो भी आपके, जैसे कि ये WhatsApp की नोटिफिकेशन मेरे में आई, देन आपको यही चीज़ आपके डेस्कटॉप में भी आएगी जो कि मुझे आ चुकी है। लेकिन यार मेरे डेस्कटॉप में वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाकी ये आई है, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप चाहें तो सेंड फाइल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में बहुत ईजिली तरीके से, अपनी जो भी फाइल्स है उसको आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेंड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया मेरा सेंड। अब आपको ये कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे कि मैंने अभी फ़ाइल सेंड किया था तो आपको सिंपली कुछ नहीं, फ़ाइल मैनेजर में चला जाना है
और जैसे ही फाइल मैनेजर में चले जाओगे तो मैंने अपना शायद रिज्यूम आईगन वो भेज दिया था, तो यहाँ डाउनलोड में जाऊँगा मैं, क्लिक करूँगा एंड ओके नहीं आया जस ठीक है, ये मेरे प्रीवियसली भेजे हुए फ़ोटोज़ एंड लिए हैं, तो मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, जाता हूँ मैं राम भगवान की भेज देते हैं। ओके ओके तो आपको फाइल शेयर एंड रिसीव करने के लिए एक ऐप वो फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो अब मैंने एक पहले KD फोल्डर करके बना के रखा था, मैं इसी को यूज़ कर लूँगा ये। अगर मैं अब आपको जैसे कि अपने डेस्कटॉप से अपने फ़ोन में भेजना है कुछ भी, देन आप यहाँ शेयर फाइल में क्लिक करोगे, शेयर फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आप जो भी भेजना चाहो वो आप भेज सकते हो, लाइक लिटरली जो भी चाहो आप वो भेज सकते हो, हर प्रकार के आप फोटोज़ वीडियोज़ और जो भी है सब। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, ओके में क्लिक कर दूँगा एंड मुझे ये रिसीव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अपने फ़ोन में मुझे रिसीव वन फाइल लिख के आ रहा है, एंड अगर मैं गैलरी में जाऊँगा तो मुझे ये आया, तो ये मुझे एक वीडियो ओके ये देखो ये मुझे ये मिल गया है मेरी फ़ोटो जो कि अभी अभी आई हुई है, ठीक है तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर आप फाइंड डिवाइस में क्लिक करोगे जो कि आपके डेस्कटॉप में दिखा रहा है ये ऑप्शन, तो आपको जो जैसे कि आप अगर आप साइलेंट में कर देते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये मेरा साइलेंट में है तो भी ये आपका आराम से डिवाइस को फाइंड आउट कर लेगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप फाइंड आउट कर ये बंद हो गई, अगर मैं फिर से करता हूँ फाइंड वाइज ये फाइंड फाउंड क्लिक के आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब आप आपके फ़ोन को घर में यहाँ वहाँ हो गया ना तो खोने का कोई भी डर नहीं है, आप इजीली इसको ढूंढ सकोगे। अब मैं आ जाता हूँ अपने फ़ोन में कि आप किस तरीके से यहाँ पे रिमोटली मतलब आपके फ़ोन के थ्रू अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहला आप फाइल सेंड कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, एंड इसके बाद अगर मैं क्लिपबोर्ड, इवन आप क्लिपबोर्ड भी सेंड कर सकते हो, लाइक लिटरली आप कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उसको आराम से यहाँ पे भेज पाओगे। स्लाइड शो रिमोट, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि आप तो यहाँ जाओगे यहाँ पे देन आपको ये मिल जाए, लाइक देखो ना ये यहाँ आप रिमोटली इसको एक्सेस कर पाओगे अपने उसको, और ये जो पॉइंटर है आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का है, ये मुझे पॉइंटर का वैसे ज़्यादा वर्क समझ में आया नहीं, मैं इसको थोड़ी देर दबाए रखता हूँ तो कुछ इस टाइप का आने लगता है, अब आई डोंट नो ये क्या है क्यों है मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है यूज़फुल होगा ऑब्वियसली। मीडिया कंट्रोल, तो अभी नो प्लेयर फाउंड इसमें दिखा रहा है जो कि ऑब्वियसली अभी अगर मैं इसमें कुछ भी रन करूँगा जैसे अपना यूट्यूब या कुछ भी खोलूँगा तो ये चीज़ फ़ोन में दिखाएगी, और अगर मैं फ़ोन में खोलूँगा तो देन आपको ये डेस्कटॉप में दिखाएगी, तो कुछ इस टाइप का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यार रिमोट इनपुट का, अब देखो ये रिमोट इनपुट वन ऑफ द मेजर फीचर है मुझे इस चीज़ का लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। जैसे ही मैं अपने फिंगर को होवर करता हूँ अपनी स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में, तो यहाँ आप देख सकते हो माउस भी मेरा जो लैपटॉप का माउस है वो भी मतलब मूव करने लगता है, मैं इवन इसमें कुछ भी चाहूँ वो ओपन कर सकता हूँ बहुत ईजिली, ये देखो लाइक बहुत ईजी है मेरे को ये हैंडल करना, जैसे कि आप अपने माउस पैड में हैंडल करते हो कुछ उसी टाइप से ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैं इसको पहले बस हाँ ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, अब ये पता नहीं मेरे ही डेस्कटॉप में हो रहा है या फिर सभी के में होगा ये मैं नहीं देख सकता, लेकिन हाँ मेरे में तो हो रहा था, थोड़ा हल्का मुझे लैगी टाइप का लगता है यूज़ करने में, बाकी है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल। अगर आपको इमरजेंसी में आपको माउस नहीं मिल रहा है या फिर माउस पैड ख़राब हो गया जो भी हो, देन आप इजीली इसको एक्सेसिबल कर सकते हो इसके थ्रू अपना माउस पैड वगैरह, ओके तो और बिना माउस के तो भाई काम ही नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। इवन अगर मैं नोट पैड ओपन करूँ, ओके मैंने नोट पैड ओपन किया, मेरे को यहाँ पर एक कीबोर्ड का ऑप्शन दिखा, मैंने यहाँ कीबोर्ड किया एंड नाउ मैं जो भी यहाँ पर लिखूँगा वो मेरे नोट पैड में आता जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा वो मेरे नोटपैड में आता जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है जो कि मुझे लगा, एंड लाइक आप रिमोटली अपने फ़ोन के थ्रू जो है ना कहे
कहीं भी कुछ भी आप लिख सकते हो रिमोटली, एंड आप इवन माउस को भी बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, नोट पैड को मैंने कैंसिल कर दिया, ये आके क्लोज हो गया मेरा नोट पैड कुछ इस टाइप से। इसके बाद हम बात करें भाई रन कमांड का, तो ये रन कमांड का ऑप्शन है जो यहाँ पे बेसिकली देर आर नो कमांड रजिस्टर दिखा रहा है। तो आपको इसके लिए सिस्टम में आपके जाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप में, यहाँ जाके आपको जो कमांड है उसको यू नो इनपुट करवाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगी। तो बाकी कुछ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या कमांड्स हैं। वेट अ सेकेंड, प्लगइन सेटिंग्स में जाऊँगा मैं। ये देखिए यहाँ जितनी भी प्लगइन्स हैं वो सारे आपको इनेबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ जाता हूँ। ये देखो रन कमांड का ऑप्शन आ रहा है, वन मिनट ना, प्लगइन सेटिंग में गया, रन कमांड के में गया, एंड देन देखो यहाँ पे दिखा रहा है रन कमांड ब्लैंक दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे ऐड कमांड करना पड़ेगा। लाइक सैम्पल कमांड्स में आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, सस्पेंड, मैक्सिमम ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, अनलॉक स्क्रीन, ये सारे आप कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम ब्राइटनेस कर सकते हो या जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, और इवन आप अपने मैन्युअली भी पावर शेल के जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे इनपुट करके कमांड अपने फ़ोन के थ्रू यहाँ पे अपने डेस्कटॉप को दे सकते हो या अपने लैपटॉप को दे सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर है, लिटरली आप कमांड के थ्रू अपने जो लैपटॉप है अपने डेस्कटॉप को उसको कंट्रोल कर पाओगे। बाकी तो आपको लैपटॉप के थ्रू अपने जो सिस्टम है अपने जो मोबाइल है उसको फाइल शेयर कर पाओगे, और अपने फ़ोन के थ्रू अपने डेस्कटॉप में फाइल शेयर कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं गैलरी में जाता हूँ एंड मैं गैलरी में गया एंड लिटरली मैं यहाँ पे, जैसे ये अपनी मेरी एक फ़ोटो है तो मैं इसको शेयर करता हूँ। अगर मैं शेयर करता हूँ तो देखना यहाँ पे मुझे KDE कनेक्ट का भी यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लाइक ये देखो KDE कनेक्ट का सेंड फाइल टू डिवाइस करके आ रहा है, ये गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस डिवाइस में, डेस्कटॉप मेरा एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये फाइल चली गई होगी यहाँ पे, मैं देखता हूँ। ओके ये देखो एक और फाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत इजी है भाई आपको यहाँ पे अपना जो लैपटॉप है उसको एक्सेस करना अपने फ़ोन के थ्रू। तो भाई कुछ इस तरीके का ये ऐप है, और KDE कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऐप मुझे लगा। लाइक आप नोटिफिकेशन देख सकते हो अपने लैपटॉप में, कॉल भी देख सकते हो, मीडिया कंट्रोल कर सकते हो, माउस कंट्रोल माउस पैड कंट्रोल कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया जैसे कि अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया अपने घर में या कहीं भी, अगर आपका अगर इवन साइलेंट भी है तब भी आपको रिंग जाएगी और आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप है, अगर आप इसको अपने डेस्कटॉप में अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे देन आपका बहुत सारे काम ईजिली हो जाएंगे। इवन अपने जो क्लिपबोर्ड है अगर कॉपी पेस्ट भी करते हो तो भी आप एक सिस्टम से अपने फ़ोन से वो कोई चीज़ कॉपी करोगे तो अपने डेस्कटॉप में भी वो चीज़ अच्छा लगा। तो मैं इसको तो यूज़ करने वाला हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है जैसे कि लाइक वही कॉपी करना, अपना URL को कॉपी पेस्ट करना, सेंड या रिसीव करना, इवन फोटोज़ को बहुत ईजिली सेंड एंड रिसीव कर सकता हूँ मैं इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू। तो यार ये बहुत ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगा, तो इसलिए मैं तो थोड़ी देर में यूज़ करने ही वाला हूँ। तो यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।